हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज IBPS कलर का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट देख के लगभग सब शॉक में होंगे कि ये हुआ क्या है, क्योंकि कट ऑफ या तो हाई गई है या फिर नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो बहुत टफ हुआ है। क्योंकि लगभग आप बोल सकते हैं 78 या 79% बच्चों को बाहर कर दिया गया इससे प्री में ही, ठीक है। और जो मैंने पोल कराया था अपने चैनल पे, तो उसमें केवल 18% बच्चे हैं, 80% जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट हैं, उनको उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। तो इसमें कम लगभग 1.7K जो हैं वो पोल में पार्टिसिपेट किया लोगों ने, उसमें से 18% ने केवल क्लियर किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या नॉर्मलाइजेशन रहा होगा या क्या कट ऑफ रही होगी, ठीक है। ये है, और अब क्या है कि रिवाइज रिजल्ट के वो जो है डिमांड हो रही है। तो आपको ऑनेस्टली एक बात बता दूं मैं, कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो आज तक तो कभी हुआ नहीं है। मतलब रेयर केस में एक बार हुआ था RRB में, तो वो हो सकता है, बाकी कभी नहीं हुआ ये चीज़। तो डिमांड, हमारे डिमांड से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये एक बार रिजल्ट आ गया वो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई, फिर भी आपको कोई मतलब सॉल्यूशन चाहिए, कोई आपके क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब चाहिए, तो आप IBPS की जो पोर्टल है, ठीक है, उस पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। इस पे शिकायत कर सकते हैं, इस पे स्टूडेंट सेक्शन आता है, उसमें आप जाके और डिमांड रख सकते हैं, आपकी जो भी है क्वेरी वगैरह कंप्लेंट कर सकते हैं। उससे आपको मेल आ जाएगा फिर एक दो दिन में, तो वो आपको जवाब दे देंगे क्या है, क्या रीज़न रहा। आप जो भी लिखना चाहो क्या रीज़न रहा, तो उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं। बाकी रिवाइज रिजल्ट की जो उम्मीद है ना, वो आप ना करें। मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये होता नहीं है, क्योंकि एक बार जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, गलत हो चाहे सही हो, उन्होंने जो सोच के समझ के दिया है, किस बेसिस पे रिजल्ट निकाला है, वो उनका है तरीका। तो अब कहना यही है कि आगे की तैयारी करें, क्योंकि मैं 2 साल से बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि जो रिजल्ट आ गया, जो हो गया ना बैंक इसमें, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि पिछले 2 साल से ना जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो वैकेंसी विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोई सोल्यूशन आज तक मिला नहीं है। तो ये चीज़ है, बाकी ये मतलब कह तो सबको दिख रहा है कि यार ये बहुत गलत हुआ है और बहुत लोगों को बाहर निकाला है। क्योंकि अगर एक बार एटलीस्ट प्री क्लियर करने देते, फिर मेंस में तो टक्कर दे दे। कुछ लोगों की जी अच्छी होती है, ठीक है, कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, तो मेंस लेवल पे अगर एक अच्छी क्वांटिटी में बच्चे जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन फेयर होगा, कंपटीशन अच्छा होगा। तो उन्होंने पहले प्री में बाहर कर दिया है, तो इसका है तो गलत लेकिन अनफेयर है चीज़ें, लेकिन क्या बताया जाए, इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। ये अथॉरिटी आगे से जो उन्होंने किया है वही कर सकते हैं इसका कोई। अगर आपको फिर भी डिमांड रखनी है, तो आप ये बताइए, आपको पोर्टल IBPS.in का जो पोर्टल है उस पर जाएँ, उस पर आप डिमांड रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आगे की तैयारी करें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।